Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों, मेरा आया मैं सीजन 11 गाना एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। साथियों आज हमारा क्वेश्चन चलेगा नॉम चॉम्स्की का कंट्रीब्यूशन लिंग्विस्टिक के अंदर। जो है नॉम चॉम्स्की और फॉलिडेंटी सोर्सेस दो ही करेक्टर आपको नजर आते हैं हमारे लिंग्विस्टिक्स के अंदर, जो कि आपको लिंग्विस्टिक्स के कुछ मेन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स वगैरह में अपना ताबून देते हैं। ये दो बंदों को ही हमने डिस्कस करनी है, जैसे हम नावल में भी और पोइम्स में डिफरेंट पर्सन को देखते हैं, तो यहाँ आपको नॉम चॉम्स्की नजर आने वाले हैं और फॉर्चुनेटली सोर्सेस नजर आएंगे। नॉम चॉम्स्की हैं कौन? अमेरिकन लिंग्विस्ट है, याद रखिएगा, फिलोसोफर है, लॉजिशियंस है, ये एक दलील दान बंदे हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक भी हैं, ये सियासतदान भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, यानी इंसानी हकूक के पेशवा भी हैं, यानी इंसानी हकूक के लिए भी काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वालिटीज इस बंदे में पाई जाती हैं और ये समझे जाते हैं कि जनाब फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, उसको फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स समझा जाता है। ये चूंकि अंग्रेज है ना, इंग्लिश बंदा है ये, तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का इसको फादर समझा जाता है। चूंकि हम जानते हैं फॉर्चुनेटली सोर्सेस स्विस थे, तो इसीलिए वो इंग्लिश तो थे नहीं ना, तो ये इंग्लिश का पहला बंदा आ गया। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, खास तौर पर इन्होंने इस मौजू पर काम किया है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर जो है ना, इसका क्वेश्चन आपको ट्री क्वेश्चन के साथ आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का बताना होता है, ग्रामेटिकल सिस्टम्स का बताना होता है और आपने सेंटेंस के तमाम प्रोसेस लेकर आगे चलने होते हैं। आखिर बताना है आपने कि जनाब ये जो हमारे स्ट्रक्चरल फेस है, इसके अंदर लेक्सिकन वर्ड्स भी काम करते हैं, डीप स्ट्रक्चर भी काम करता है, सरफेस स्ट्रक्चर भी काम करते हैं, यानी कि एक अलग किस्म का क्वेश्चन बन जाता है आपका। और इस क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे नॉम चॉम्स्की 1928 को पैदा होते हैं, अमेरिकन है, तो अब आपको पता चल गया कि जनाब ये इंग्लिश बंदा है, ये दूसरी नेशनलिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। नॉम चॉम्स्की का जो एक कॉन्सेप्ट इनका हमने देखना है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, यानी आप में कितनी अहलियत है और जब आपने वो सारी अहलियत सीख चुकी होती है तो आप किस तरह उसको परफॉर्म करते हैं। नॉम चॉम्स्की का ये कॉन्सेप्ट जो है फर्डिनेंडी सॉसर के कॉन्सेप्ट के साथ सेम है, सिमिलर है, जो कि उन्होंने लैंग एंड पेरोल का दिया है। यानी लैंग उन्होंने बताया था कि सोसाइटी कैसे जुबान का इस्तेमाल करती है और पेरोल उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हुए कैसे यूज करता है। तो कॉम्पिटेंस ये होती है कि जो आपने इधर उधर सुनी, और परफॉर्मेंस वो है जो आपने बताते खुद पेरोल की तरह उसका यूज किया। चॉम्स्की क्या कहते हैं, वो कहते हैं कॉम्पिटेंस जो होती है ना जनाब, वो नेटिव स्पीकर्स नॉलेज होती है। जाहिर है अहलियत उसी में आएगी जो उस जुबान का माहिर होता है। नेटिव स्पीकर्स जो होगा, जिसकी अपनी जाती जुबान होगी, उसको कॉम्पिटेंस ज्यादा होगी। और ये जो सिस्टम ऑफ रूल्स हमें बता रहे हैं, इसके बाद हमें कुछ रूल्स का निज़ाम दिया जाता है और वो बंदा जो इसमें मास्टर्ड हो गया, जो उसको समझ गया, तो एक बहुत बड़ी तादाद में वो नए सेंटेंसेस बना सकता है। नेटिव बंदा चूंकि अपनी जुबान का मास्टर होता है, वो अपनी जुबान के रूल्स और सिस्टम्स को समझता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है ना मैं, ये वाला लफ्ज जो मैं हम लिखते हैं, उसमें मैं और मे दो तरह से आता है ना, तो हमने लिखना है कि मैं कहाँ पर इस्तेमाल होगा और मे कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये हमें ही पता चलना है। अगर हम किसी नॉन नेटिव बंदे को ऐसा वाला वर्ड दे देंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा जो कॉम्पिटेंस किसमें होती है, नेटिव में होती है। परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस एक वो तालीम है, वो मुताला हम लेते हैं, जो कि एक्चुअल सेंटेंसेस का अपने आप मुताला हमें हासिल करना होता है। और ये स्टडी किसकी है? एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। ये यूज ऑफ लैंग्वेज को अंडरलाइन करेंगे, यानी बात वहीं आ गई, पैरोल जैसे इंडिविजुअल का था, तो परफॉर्मेंस आपने इंडिविजुअल का इस्तेमाल उस जबान का कैसे है इसको देखना है, कैसे वो अपनी हकीकी जिंदगी में और सिचुएशंस के लिहाज से जुमले इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा की जो स्पीकर्स की नॉलेज होती है, उसके जरिए उसको जो लैंग्वेज है उसकी बनावट को समझना पड़ता है। और ये जो है जनाब, लैंग्वेज की जब बनावट को समझ लेते हैं तो वो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस में आ जाते हैं, यानी जबान की समझने की अहलियत में आ चुके होते हैं जब वो स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि जनाब ये जो वे इन्हें बताया जाता है, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, यानी लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल किया गया, इसको समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं वो इन कामों को समझते हैं, तो लिंग्विस्टिक्स परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाते हैं, जबान बोलने के काबिल बंदा हो जाता है। कॉम्पिटेंस क्या करती है? वो अंडरलाइन करती है मेंटल सिस्टम। अब यहाँ पर इसकी बुनियाद कहाँ पर है जनाब?
इसकी बुनियाद है आपके दिमागी प्रोसेस पर, आपका दिमाग किस तरह से कैसे जुमला कबूल करता है, इस तरह से उसे समझ रहा है। फिर जो इट अंडरलाइज लैंग्विस्टिक्स एबिलिटी, और इसके तहत हम लैंग्विस्टिक की एबिलिटी को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जुबान को, और हम गलतियों से एतराज करते हैं। जैसे हमने अगर एक कुछ जुबान के रूल समझ जाते हैं तो हमें पता लग गया डू एंड डज कहाँ इस्तेमाल होना है, तो फिर हम गलती नहीं करेंगे, हम वो आई और वी के साथ डज नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम रूल समझ चुके होते हैं, हमें ये कॉम्पिटेंस आ चुके होते हैं जब हमने मेंटल सिस्टम अपना तैयार कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं नए नए जुमलों को, फिर प्रोड्यूस भी करते हैं नए नए जुमले, जब हमने अंडरलाइंग मेंटल सिस्टम से गुजर गए, सीख लिया जुबान को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आ गई, तो फिर हम गलतियां नजरअंदाज करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। जो कॉम्पिटेंस का सेट होता है वो जनाब असूलों पर मुश्तमिल होता है, और लाजमी एक बोलने वाला उसमें महारत रखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बताएगी एज व्हाट अ स्पीकर डज, कि क्या स्पीकर कहता है। फॉर्मर कॉम्पिटेंस इज अ काइंड ऑफ अ कोड, जो पहले वाली कॉम्पिटेंस थी, पहले वाली जो अहलियत और काबिलियत थी वो आपको कुछ जाबते देती थी, और बाद में आने वाली आपको क्या देती है, परफॉर्मेंस देती है, और परफॉर्मेंस क्या है, एन एक्ट ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग, ऐसा एक्ट जिसके अंदर आप जाब्तों को तोड़ देते हैं, जाब्तों को खोल देते हैं। अब ऑब्वियसली वन कैन फाइंड आउट अबाउट कॉम्पिटेंस, जाहिर सी बात है एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंस को पा सकता है ओनली बाय स्टडिंग, सिर्फ इसकी तालीम हासिल करने के बाद तो ही वो परफॉर्मेंस करने के काबिल होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटरनल ग्रामर, ऐसी ग्रामर जिसके कुछ अंदरूनी रूल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं रूल्स, यानी वो रूल्स हमारे पास इतनी ठोस शक्ल में नहीं आते हैं, इनको देखने के बाद क्या करते हैं, जब ये हम इंटरनल ग्रामर के कुछ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स समझ जाते हैं तो हम यानी स्पीकर इस काबिल बन जाता है कि वो बोले और समझे ला तादाद नंबर ऑफ गुफ्तगु, जो कि स्पीकर की कॉम्पिटेंस को जाहिर करती है। जब आप किसी परफॉर्मेंस को देने के काबिल हैं तो उससे पहले आपने इंटरनल ग्रामर रूल को समझना, जैसे इसने पहले आपको बताया है कि आप पहले कोड को समझेंगे फिर आप उसे इनकोडिंग करेंगे, पहले जाब्ता समझेंगे फिर उस जाब्ते के अंदर जाके उस जाब्ते की डिकोडिंग भी कर सकते हैं आप। कॉम्पिटेंस क्या करती है, ये फ्री है जनाब, कॉम्पिटेंस आजाद होती है, जैसे वो लैंग आजाद थी ना, सोसाइटी में 50 बंदे 50,000 बंदे आजाद हैं, अपनी अपनी अटरेंस कर रहे हैं, अपने अपने लबो लहजे में बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस आजाद है किसी किस्म की मदाखलत के साथ, जो भी मेमोरी स्पैन में जाती है, स्पैन होती है जो जिसे कहते हैं ना कि दुरानिया, हमारी मेमोरी का एक दुरानिया होता है, हमारी मेमोरी में यानी कुछ चीजें 24 घंटे तक याद रहती हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें सारी जिंदगी भी याद रह जाते हैं, तो ये इंटरफेरेंस होती है हमारी कॉम्पिटेंस की, हमारी अहलियत होती है कि हमारी मेमोरी कितना समझ सकती है, और हमारी जो एरर्स होती हैं उनकी कौन कौन सी अहमियत है। लिपेसिस आते हैं, लिपेसिस होते हैं यदि आपका स्लिप हो जाना, जैसे कभी कभी मेरी जुबान पर प्रोनंसिएशन नहीं चढ़ती है तो वो हमारी अटेंशन में जब प्रॉब्लम आ जाती है, अगले जुमले पे नजर होती है तो पिछले जुमले की प्रोनंसिएशन खराब हो जाती है, तो ये हमारी तवज्जा के कुछ खलल होते हैं जिनकी वजह से हम गलती कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंस वाले इन चीजों से फ्री हैं, ना तो उन्हें मेमोरी का कोई स्पैन होना है, ना उनके अंदर कोई गलती आनी है, ना उनके अंदर कोई जुबान का फिसलना आना है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर जो है वो पेश करता है, रिप्रेजेंटेड कर रहा होता है ना अपने ब्रेन को, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो ग्रामर मेरी ब्रेन में है मैं उसको बोल रही हूँ, क्योंकि आगे मेरी आंखों के सामने जुमला है, मुझे इसे ट्रांसलेशन करना है। तो स्पीकर ने क्या करना है, स्पीकर ने नुमाइंदगी करनी है, अपने ब्रेन के थ्रू चलना है, और आइडियल अकाउंट्स जो उसके पास हैं, जो भी कुछ उसके पास ख्याली खाते बने हुए हैं, उसको उसने ग्रामेटिकल रूल के जरिए बताना है, और उसके बनावट को बताना है जो कि जुमले की बनी हुई है, मेरी लैंग्वेज जो मेरे सामने लैंग्वेज आ रही है उस लैंग्वेज को तैयार करने के लिए। तो पहले मुझे कॉम्पिटेंस चाहिए, पहले मुझे इस जबान पर अबूर चाहिए, पहले मुझे इस जबान को समझना चाहिए, फिर ही मैं इसे परफॉर्मेंस करने के काबिल होंगी। तो कॉम्पिटेंस आपकी अहलियत है। अब एक बंदा है एक्ट्स अपॉन हिज अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस टू प्रोड्यूस एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक भी शख्स होता वो क्या करेगा, वो गुजरता है मराहल से, पहले लिंग्विस्टिक की अहलियत हासिल करता है, फिर इससे पेश करता है असल परफॉर्मेंस के तौर पर, पहले आप सीखेंगे फिर आप बोलेंगे। कॉम्पिटेंस क्या है जनाब, एबिलिटी है, अंडरलाइन करें, कॉम्पिटेंस आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, और एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, समझने की, जो कि मैनी नॉवल्स सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, बेतहाशा हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, इनको समझने की एबिलिटी को कॉम्पिटेंस कहते हैं।
रेफर किस तरफ चलती है, करती है, ये हमें हवाले देती है नेटिव स्पीकर्स के इनेट क्रिएटिविटी के, यानी नेटिव स्पीकर के पास जबलिटी होती है, क्रिएटिविटी, सलाहियत होती है, फितरत से वो सीख जाता है, यानी बच्चा आपका अपनी जुबान कुदरती तौर पर सीखता है, फिर प्रोडक्टिविटी होती है, फिर वो पेश करता है नॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज में, पहले बच्चा आपसे सुनता है, मम्मा ने कहा इधर आओ इधर आओ, फिर वो बच्चा खुद बोलता है इधर आओ, यहाँ रखो, यहाँ बैठो, मुझे दो, इधर आए, उधर जाए, ये छोटे छोटे मामा पापा वो आपसे सुनता है तो फिर सीखता है। डिस्टंक्शंस कहता है जनाब फर्क बता दें क्या वजह है उस फर्क की, अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन करंट डेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, आजकल के जो जबानदान है वो बहुत ज्यादा बहस और मुबाहसा कर रहे हैं, उसकी वजूहात बताएं, उनका नुमाया फर्क बताएं। कहते हैं सम जो है ना, कुछ तो है ना सोशो लिंग्विस्टिक्स है, कुछ माशरे की जुबान पर बात करते हैं, उनके हवाले देते हैं, और एक अनरियल डिस्टंक्शन बताते हैं, एक ऐसा फासला बताते हैं जो कि गैर हकीकी है। अब ये जो डिस्टंक्शन है इसको हम नजरअंदाज करते हैं, और इम्पोर्टेंस किसकी समझते हैं, लैंग्वेज की, तालीम की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, और उसी की सेटिंग पर ही हमारी पूरा फोकस होता है। हम किसको इग्नोर कर देते हैं जो कि माशरे के अंदर गैर हकीकी डिस्टंक्शन आ रही है, कुछ तोलो और जाजी आ रहे हैं, हम उनको नहीं समझते, यानी माशरे के अंदर तो कोई भी कैसे बोलता है मैं आता हूँ, मैं जाती है, मैं जाऊंगा, यानी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उन चीजों को समझना है जो कि उसके सेट रूल हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मेनी ऑफ द टूडेज ग्रामर्स, आजकल की जो ग्रामर्स है ना बेस्ड ऑन अनजस्टिफाइड अजम्पशंस पर, अनजस्टिफाइड अजम्पशंस यानी गैर राय कायम किए हुए या अंदाजे कायम किए हुए हैं, उसकी ग्रामर आजकल की बनी हुई है। आजकल तो आपको रोमन इंग्लिश भी दिखा दी गई है ना, उस समय बात करने का मकसद उसका ये है कि आजकल आपको जो ग्रामर और जो रूल्स दिखाए जा रहे हैं वो वैसे सख्त नहीं है जैसे कहीं माजी में हुआ करते थे, क्योंकि अब आप कॉम्पिटेंस तो बहुत से मुल्कों को दे दी गई ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश हाली अंग्रेजों की तो ना रही, तो अब जिस मुल्क में गई उस मुल्क में अपने लिहाज से भी इसके अंदर कुछ अजम्पशंस डाल दी हैं। अब उसने कहा कि आजकल की ग्रामर को हम कहते हैं कि जनाब ये अनजस्टिफाइड अजम्पशंस पर मुश्तमिल है, और कंसर्न इसका किसके साथ है, इसका स्पीकर की कॉम्पिटेंस के साथ ही ताल्लुक है रेदर देन हिज परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस पे नहीं जाते, बाज़ वक़्त हमारे अल्फाज फिसल जाते हैं तो हम कहते हैं वही इसी आता है, इसमें आता है, इसको सारा पता है डू डस्ट कहाँ लगाना है, तो साज गलती से डू इसका डस्ट की जगह लग गया है, तो हम जानते हैं हमारी उसकी कॉम्पिटेंस पे होती है, हम परफॉर्मेंस पे उसको हंसी मजाक नहीं उड़ाने लग जाते। नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है जनाब, तो इन्होंने कहा है कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों को रिलेट कर दिया है सॉसर के लैंग और पेरोल के साथ, जैसे लैंग वो कहता था सोसाइटी की है, पेरोल वो कहता था इंडिविजुअल है, इन्होंने भी कहा कॉम्पिटेंस है जो वो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है, परफॉर्मेंस जो है वो एक बंदे की परफॉर्मेंस पे आ जाती है, लेकिन ये भी सेट ऑफ रूल पे ही तरजीह देते हैं, इसने भी लैंग पे ही ज्यादा बात की थी। मेन डिफरेंस उन्होंने बताया कि सॉसर्स क्या करता है, वो डिसिप्लेड कर देता है सोशियोलॉजिकल implications को of language, जो माशरे के कुछ खुफिया राज होते हैं ना ज़बान के बारे में, उनको वो खोलता है, लेकिन चॉम्स्की स्ट्रेस करता है साइकोलॉजिकल implications of competence पर। ये कहता है माशरे में जुबान आ रही है वैसे ही रहेगी, लेकिन चॉम्स्की कहता है माशरे में जो बच्चा है उसकी जो साइकी है, एक अंग्रेज को उठा के उर्दू जुबान में ले आओ तो वो अंग्रेज उर्दू जुबान सीख जाएगा, वो माशरे से अपनी जुबान नहीं सीख पाएगा। चॉम्स्की की जरा जो है ना जिसे कहते हैं ना ज्यादा डीप थिंकिंग है, हम अपना बच्चा इंग्लिश में छोड़ाएंगे उस माहौल में छोड़ाएंगे तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। ये इसने कहा है कि जो कॉम्पिटेंस आती है ना उसके जो खुफिया राज है ना वो नफ्सियात पे छुपे हुए हैं, माशरे पे छुपे हुए नहीं है। माशरे के अंदर अगर सारे अंग्रेज हैं तो इट्स मीन के वहां पे रहते ही अंग्रेज हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजों का बच्चा उर्दू जुबान में ले आएंगे तो आप यहाँ पर उसे उर्दू ही सिखाएंगे, उसे कोई नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी आनी, तो उसका जो माशरा है उस पर असरअंदाज नहीं होगा, उसकी साइकोलॉजी उस पर असरअंदाज होगी। अब ये जो फर्क बता रहे हैं जनाब, डिस्टिंक्शंस जो उन्होंने बता दिया, आल्सो कैन बी एग्जाम्पलीफाई, इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कोड एंड बाय कोड एंड मैसेज। मैसेज होता है पैगाम और कोड होता है जाब्ते, जाब्ते की मिसालों के साथ और पैगाम की मिसालों के साथ हम इसे समझ सकते हैं। ये आपको कोड का एक क्वेश्चन भी आएगा कोडिंग और डिकोडिंग के नाम से। कोड जो है वो क्या करता है, प्री अरेंज्ड सिग्नलिंग सिस्टम, पहले से ही निज़ाम कायम कर देता है आने वाले निज़ाम के इशारों का। और मैसेज क्या करता है, मैसेज असल में एक मैसेज ही भेजा जाता है जो कि किसी भी सिस्टम के जरिए भेज दिया जाए। अगला हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं।